दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए 94 वनडे, 26 टेस्ट और 32 टी20 मैच खेला है, लेकिन जिस एक पारी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा वो है निदहास ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ उनकी 29 रनों की मैच विनिंग पारी, जिसने उनको रातों रात हीरो बना दिया। इस फाइनल मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से था और टी20 सीरीज के इस मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 167 रनों का टारगेट रखा था। रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन एक बार रोहित शर्मा आउट हुए तो विकेटों का गिरना शुरू हो गया। 18 ओवर के बाद आलम यह था कि भारत का स्कोर 5 विकेट पर 133 रन था और यहां से भारत को जीत के लिए 2 ओवर में 34 रन बनाने थे। भारत की जीत यहां से मुश्किल लग रही थी, लेकिन इसी समय क्रीज पर दिनेश कार्तिक आए और कार्तिक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि उनकी बत्ती गुल हो गई। कार्तिक ने रुबेल हुसैन के फेंके 19वें ओवर में 22 रन जड़ डाले और इसी के साथ भारत के मैच जीतने की संभावनाएं भी बढ़ गई। आखिरी ओवर में अब भारत को 6 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर सौम्य सरकार ने आखिरी ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की। नतीजन आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रन बनाने थे और कार्तिक ने इस गेंद पर छक्का जड़कर भारत को एक यादगार जीत दिलाई। दिनेश कार्तिक ने अब अपनी इस ऐतिहासिक पारी के प्लान का खुलासा किया है। कार्तिक ने कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने जा रहा था तो निश्चित ही मेरे पास योजना थी। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां प्रैक्टिस मदद करती है। जब आपको बैटिंग के लिए जाते हुए पता होता है कि आपको किस बात की जरूरत है तो इसे प्राप्त करने के आसार बेहतर होते हैं। कार्तिक ने कहा कि जब मैं बैटिंग के लिए गया तो हालात ने मुझे तैयार किया कि मुझे क्या हासिल करने की जरूरत है, और यहीं से प्रोग्रामिंग जैसी कोई बात हुई, मसलन बॉलर कहां गेंद फेंकेगा और कौन से स्टैंड और किस गैप में मुझे शॉट खेलना है। अगर बतौर फिनिशर आप लगातार बेहतर करना चाहते हो तो किसी को भी ऐसे ही सोचना होगा, और कुछ ऐसे ही मैंने भी अपने बैटिंग की प्रोग्रामिंग की। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से दिनेश कार्तिक टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और फिलहाल वो टीम इंडिया के टी20 टीम में वापसी करना चाहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप इसी साल खेला जाना है और कार्तिक टीम में अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों ही चीजों से अहम योगदान दे सकते हैं।